दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में काफी मशहूर कलाकार हैं जो काबिलियत के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन अगर वहीं इनकी दुश्मनी की बात करें तो ये अभिनेता दुश्मनी भी पक्की वाली करते हैं। ऐसे ही सलमान खान और अक्षय कुमार की जोड़ी है। बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और बताया ये भी जाता है कि इनकी काफी बार बहस भी हो चुकी है। लेकिन क्यों अक्षय कुमार सलमान खान से इतनी नफरत करते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही अक्षय कुमार के शानदार बनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को महाराष्ट्र में हुआ। इनको शुरू से ही एक्टिंग और मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। अक्षय कुमार ने दोनों ही सीख लिए और आज काफी बड़े कलाकारों की गिनती में आते हैं। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार भी बन गए, सलमान खान से दुश्मनी सुनकर अजीब लग रहा है ना। दरअसल एक पार्टी में अर्जुन कपूर ने सलमान खान को भी इनवाइट किया था और उसी पार्टी में ट्विंकल खन्ना भी आई हुई थी। लेकिन सल्लू भाई तो दारू पीते ही नहीं है, लेकिन उसी पार्टी में ट्विंकल खन्ना ने उसे काफी दारू पी रखी थी। वो बार बार सलमान खान को डांस करने के लिए खींच रही थी और सलमान खान उनको बार बार मना कर रहे थे, ये सोचकर कि मैंने ट्विंकल खन्ना के साथ डांस कर लिया तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है। इसी वजह से सलमान बार बार डांस करने के लिए मना कर रहे थे। आखिर जब ट्विंकल खन्ना नहीं मानी तब सलमान खान ने हाँ बोल दिया और करने लगे डांस। और यही बात पहुंच गई अक्षय कुमार के पास और वो भी मिर्च मसाले के साथ। फिर क्या था, अक्षय कुमार पहुंच गए सलमान खान के घर उनसे लड़ाई करने के लिए। काफी टाइम तक तो इनकी बहस भी चली। जब इनकी लड़ाई की आवाज सलमान खान के पिता के कानों तक गई तब उन्होंने आकर इनकी लड़ाई को सुलझाया, तब जाकर इनकी लड़ाई खत्म हुई। लेकिन इनकी दुश्मनी अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अक्षय कुमार ने सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ना। और बॉलीवुड की ऐसी खास बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।